सर अभी बहराइच का जो प्राकरण हुआ है और बहराइच में जिस प्रकार भीषण दंगे हो रहे हैं उसके बाद में समाजवादी पार्टी का एक ट्विटर हैंडल है और इसके अलावा भी अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो पूरे की पूरी जो घटना है उसमें एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें राम गोपाल मिश्रा जो मृतक है उसकी फोटो दिखाई जा रही है कि वो जा करके झंडे को उतार रहा है। खासतौर आपके विपक्षी उस फोटो को ज्यादा वायरल कर रहे हैं इसको और बार बार वो इसको भाजपा की साजिश बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विपक्ष का काम तो नदी की चीज फैलाना है, विपक्ष का काम केवल नकारात्मक राजनीति करना और विद्वेष फैलाना, समाज को दो भागों में बांटना। एक घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, सख्ती से कार्रवाई करेगी, जो दोषी थे जो जड़ में थे उन पर कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिल चुका है, मुख्यमंत्री ने उनका संभव मदद का आश्वासन दिया है जिससे परिवार संतुष्ट है और कार्रवाई पूरी होगी। ये योगी जी की सरकार है, इसमें कोई दोषी नहीं बच पाएगा और सख्ती से कार्रवाई होगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी लगातार हार रही है, लगातार पिट रही है, वो हताश है और जिस तरह से वो एक साजिश रच रहे हैं समाज को बांटने की, तोड़ने की, वो उन्हीं का हिस्सा है कि वो नेगेटिव चीज फैला रहे हैं और समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। इस घटना में समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण करते हुए दिख रही है आपको? उनका काम ही केवल तुष्टिकरण, जात में बांटना, माफियाओं का संरक्षण देना, गुंडे पालना, यही समाजवादी पार्टी का काम है।